पिताजी किसान है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं वही इसलिए मैंने सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेना चाहिए कि मतलब वो मोटिवेशन आपके अंदर किस तरीके से आई, आपने घर में लोगों को परेशान होते हुए देखा, पापा मम्मी भाई को। तो मैं घर से निकला था तो एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे यही कह के भेजे थे कि बेटा कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी और मार्केट नौकरी लेना, शरीर अच्छी है तुम्हारी, दौड़ लोगे तुम। अभी तो आप इंस्पेक्टर बन गए, नहीं बिल्कुल बड़ी बात है कांस्टेबल सोच के और इंस्पेक्टर। अभी अपने पापा मम्मी को पता चला जब आप इंस्पेक्टर बन गए तो उनका इस चीज पे क्या कहना था? आपने बताया कि ये कांस्टेबल से ऊपर होता है उनको अभी, मतलब घर वाले भी खुश रहने लगे हैं कि सिलेक्शन हुआ। माता जी मेरी रोने लगी थी इस बात को लेकर कि मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे नौकरी पा गए। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। और आज की ये सेशन बहुत अलग होने वाली है जहां पे मेरे साथ हैं आशुतोष जी, जो बताएंगे। अभी आपने देखा होगा सीजीएल 2018 का रिजल्ट आया और काफ़ी दिनों बाद रिजल्ट आया तो लोगों में बड़ी खुशियों की लहर है कि चलो कम से कम रिजल्ट आना शुरू हो गए और नौकरी मिलना शुरू हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं इस दौर में जहां सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम होता जा रहा है, बहुत मुश्किल भी होता जा रहा है, उस दौर में गांव से निकल के, गोरखपुर के पास के गांव से निकल के एक बच्चा दिल्ली में आकर तैयारी करता है और वो भी नौकरी पा जाता है, तो उसके लिए नौकरी कितना मायने रखती है, कैसे मिली और हमें उससे क्या सीखना है कि उसने इस दौर को जहां इतना पेशेंस रखा होगा कि अब रिजल्ट आएगा, अब प्री होगा, अब मेंस होगा, कैसे अपने आप को उस तैयारी में बनाए रखा, ये सब बातें आज की इस सेशन में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और पहले तो आशुतोष का बहुत बहुत स्वागत है। ये गोरखपुर से आया बच्चा, बहुत ही सीधा बच्चा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सीधा, कभी क्लास में भी नहीं बोलता था। और मैं उन्हीं बच्चों के साथ इंटरव्यू ज़्यादा कर रहा हूँ जो मेरे सामने रह के पढ़े हैं, जिनको मैंने बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया है, ताकि मैं जान पाऊँ कि जो बोल रहे हैं वो वाकई में मैं उस टाइम से रिलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आशुतोष आपसे ये है कि कब आपने तैयारी स्टार्ट की, कौन सा अटैम्प्ट था आपका 2018 और पहला अटैम्प्ट कौन सा था, और जब आपको पहले अटेम्प्ट में अगर सफलता नहीं मिली तो आप किस अप्रोच से, किस सोच से दिल्ली आए थे कि मुझे क्या करना है, वो सारी बातें आप बताइए। सर, एसएससी की तैयारी मैंने 2016 सितंबर अक्टूबर के दौरान शुरू की। मेरा पहला अटेम्प्ट 2016 सीएचएसएल था, इसमें मैं 0.75 से शायद फेल हुआ था और उसमें मेरे इंग्लिश और मैथ्स में नंबर कम रह गए थे। फिर 2017 के सीजीएल के दौरान पेपर के लेवल्स बढ़े और लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो फिर सर मैंने आपके यूट्यूब वीडियोस देखे थे उस दौरान 2017 में उसके यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे थे। तो सर घर से ग्रेजुएशन का पेपर दिया 2018 मई में, घर से सर बैग उठा के ये मतलब घर से ही सोच के निकला था कि अभिनय सर से पढ़ना है। सर मैं आया, तीसरे दिन एडमिशन लिया और दिल्ली में 16 महीने रहा हूँ और 16 महीने में मैं केवल आप ही के यहाँ कोचिंग किया हूँ, प्री की कोचिंग किया था और फिर मेंस का बैच आपने चालू किया, उस मेंस के बैच में मैं पढ़ा। 2018 में जो मेंस का हमने बैच, जो बाद में हमने फिर यूट्यूब पे भी 88 डेज वीडियोज का कोर्स वो डाला हमने, वही ऑफलाइन वाला ही कोर्स था, उसमें मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए और मुझे लगता है 100% ही सिलेक्ट हुए, एक आध दो को छोड़ के। आप अगर उस वीडियोज को सुनेंगे जो मैंने 2018 के मेंस वाले डाली हैं, तो चीकू फ्रूट ऑफ द ईयर उसमें ये भी थे, इनकी भी एक वीडियो में बात आपने सुनी होगी जब मैं कहता हूं कि एक बच्चा जिसके प्री में 200 से भी ऊपर नंबर है, 2018 में आपके प्री में 200 से भी ऊपर मार्क्स थे, 203 नंबर थे, 203 हाँ। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरे फोन में आपका नंबर भी आशुतोष 203 के नाम से सेव है। तो मतलब प्री में जैसे आपको लग गया था कि यार प्री में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो प्री में आपके मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 से भी ऊपर स्कोर निकल पाना बड़ी अच्छी चीज होती है। तो अब मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करना, पहले तो आपने ये हिम्मत की, आपका गांव कहां है, कहां से आप आए थे? सर मैं गोरखपुर से नजदीक संत कबीर नगर एक जिला पड़ता है, ठीक है, छोटा सा टाउन है खलीलाबाद, सर मैं वहीं का रहने वाला हूँ और पिताजी किसान है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं वही इसलिए मैंने सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेना चाहिए कि मतलब वो मोटिवेशन आपके अंदर किस तरीके से आई, आपने घर में लोगों को परेशान होते हुए देखा, पापा मम्मी भाई को, कि यार नहीं मुझे सीजीएल में ही अच्छी जॉब लेनी है। 2018 में आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो मैं समझता हूँ कि पहला अटेम्प्ट ही है ग्रेजुएशन के बाद तो आपका, जहाँ पे आपने सफलता हासिल कर ली है, तो वो मोटिवेशन का स्रोत कौन था आपका, जहाँ आपको लगता था कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है और नया करना है, बड़ा करना है? हम लोग सर मिडिल क्लास से हैं, मतलब जो मेरे घर का माहौल रहा है वो क्लास 8th 9th से ही माता जी पिताजी दोनों लोग डालते रहे दिमाग में कि बेटा सरकारी नौकरी पानी है, सरकारी नौकरी पानी है। और सर हाई स्कूल पास होने के बाद ये लग गया था कि जॉब करनी, और हमारे यहाँ यूपी कांस्टेबल इस चीज का मतलब क्रेज है और बहुत ज्यादा पाते हैं। तो मैं घर से निकला था तो एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे यही कह के भेजे थे कि बेटा कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी और मार्केट नौकरी लेना, शरीर अच्छी है तुम्हारी, दौड़ लोगे तुम।
सर मैं उनको भी ज्यादा पता नहीं है सीजीएल वगैरह के बारे में। मैं बता दूं आपको, आशुतोष का भी अंडर 1000 रैंक है 779 और इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है और 2018 में इन्होंने प्री में मैंने इन्हें पढ़ाया। मैं तो जब से ही जानता हूँ, जब से प्री पढ़ाया है, बहुत एक सीधा बच्चा, हमेशा अपना एक बैग लेके आना। जहाँ दिल्ली में ये कल्चर है कि कॉपी लेके लड़के कोचिंग चले आते हैं, वहाँ पे एक बैग लेके अपना आना और क्लास करना। सीधे दो बातें हमने पूछ ली तो ठीक है, कोई डाउट हुआ तो पूछ लिया, कभी फालतू बात या मैंने ये नहीं देखा। मतलब मैं जितने बच्चों को भी देख रहा हूँ सेलेक्ट होते हुए, तो उन बच्चों को ही देख रहा हूँ जिन्होंने वाकई में ठीक तरीके से तैयारी की है, जैसे उन्होंने जिन्होंने क्लास को इंजॉय किया कि भाई वो पढ़ते भी थे। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ इंजॉय करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, लेकिन ये कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्लास में इंजॉय भी कर रहे हैं और क्लास को गंभीरता से भी ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक चीज जो मानता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है, आपके साथ भी मुझे लगता है ऐसा हुआ कि यार प्री में आपके 203 नंबर आ गए तो अब लगता है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आपके ओवरऑल मार्क्स कितने रहे, 603। ठीक है। तो फिर मेंस की तैयारी आपने की, इंग्लिश की तैयारी खुद से ही की? मैथ्स का जो हुआ बनाया गया था सर, एक्चुअली मतलब डर था एक अंदर। 2017 में था बहुत कठिन पेपर आ गया था, तो अब पता नहीं क्या ही होगा। तो सर वो था कि इंग्लिश मेरी ठीक ठाक तैयार हो गई थी प्री के दौरान ही, मैंने तैयारी अच्छी कर ली थी। सर कोचिंग की थी मैंने इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में आपने कोचिंग की। तो सर उसके बाद मैंने एक्चुअली मेंस में के दौरान मैंने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, 7-8 मॉक दिए थे सर, वही मॉक देने के मतलब उसमें स्कोर अच्छे आते थे, तो ये नहीं लगा कि पढ़ने की जरूरत है, मेंस अच्छा हो जाएगा। सर फोकस मैथ्स पे ही था और क्लासेस आपकी चल रही थी सर, तो ऑफलाइन क्लासेस वही तैयार करना घर पे जाके और वही पढ़ना सर, वही चल रहा था। तैयारी सर ठीक ठाक हो गई थी, मार्क्स वगैरह में नंबर अच्छे आ रहे थे। अच्छा, मतलब जब आप तैयारी करने आए, जैसे भी आप देख रहे थे इतना भयंकर माहौल था कि भाई सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस तरीके का माहौल था, तो आप उस टाइम अपने आप को किस तरीके से संभाल पाते थे? आपको लगता था कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला उस दौर में, पहले बताइए आप हमें। नहीं सर, फेलियर तो सर मैंने भी देखा है, और मतलब ये कभी मैंने या मेरे घर वालों किसी ने नहीं सोचा था कि मैं कॉन्स्टेबल सुपर या उठ जाऊँगा। मेरे घर वाले एक्चुअल में यही सोच के सिस्टम में, अभी तो आप इंस्पेक्टर बन गए, नहीं बिल्कुल बड़ी बात है कॉन्स्टेबल सोच के और इंस्पेक्टर। अभी अपने पापा मम्मी को पता चला जब आप इंस्पेक्टर बन गए, तो उनका इस चीज पे क्या कहना था? आपने बताया कि ये कॉन्स्टेबल से ऊपर होता है, उनको अभी माताजी तो जानती थी, पिताजी को नहीं पता था ज्यादा। अच्छा, पिताजी को नहीं पता था, तो पिताजी जाने तो फिर बहुत खुश हुए थे कि मतलब चलिए मेरा लड़का वहां पहुंच रहा है। एक्चुअल में सर खुशी इस बात की है कि मतलब घर में एक नौकरी होगी सरकारी। अच्छा अच्छा, और लड़का अपने दम पे किया है। नहीं ये बहुत यार मैं बताता हूँ आज तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जब ये इनका रिजल्ट आ गया, मतलब रिजल्ट आने से पहले जब इनका पेपर हो गया, सारी चीजें थी, तो आप मुझे अक्सर कॉल करते थे, मेरी आपसे हमेशा बात होती थी। कई बार मैं बिजी होता था क्लास में, नहीं भी फोन उठाता था, फिर पूछता था आज तो क्या चल रहा है, तो आप बताते थे सर बहुत टेंशन चल रही है। और उस वक्त मैंने आपके साथ मार्क्स भी मुझे नहीं पता थे एग्जैक्ट कितने, बट आप बताते थे सर पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उस दौरान जब आपका एग्जाम हो गया और आप घर जा चुके हो, तो उस दौरान अपने आप को संभालना, घर में कैसा माहौल रहता था? लोग पूछते होंगे भाई आप दिल्ली तैयारी करके आ गए, नौकरी का क्या हुआ? तो ये सब चीजें आपके सामने आई, ये सब परेशानियां, रिश्तेदार जहां पूछ रहे हैं कि अब तो पढ़ के भी आ गए, अब क्या हुआ टाइप? मेरे साथ एक प्लस पॉइंट यही रहा कि मेरे घर में लोग ज्यादा जानते थे नहीं, तो लोग हमेशा मेरे साथ रहे। मैं कुछ भी कहूँ वो कहे कि हाँ ठीक है कर रहा लड़का, करने दी। मतलब कभी घर में से किसी ने कभी कोई सवाल नहीं पूछा था। अच्छा। जो भी सवाल आए थे, जो भी उंगली उठी थी, वो बाहर से उठी थी, और उससे सब मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था एक्चुअल में। अच्छा, मतलब घर वाले पूरा सपोर्ट में रहते थे, उनको ये था कि लड़का जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। एक मेंटल प्रेशर था, लेकिन सर उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि घर वाले साथ रहते थे, घर वालों को पता था, तो वो कहते थे उनके कहने से कोई मतलब नहीं है, तुम करो अपना काम, हो जाएगा। सर वो सितंबर के बाद मैंने घर ही मतलब रहा, तबीयत मेरी खराब हो गई थी, तो मेंस देने के बाद मैं घर पे ही रहा था 5-6 महीने। सर उसके बाद आप UFM के बारे में सुने होंगे सर, वो सब आया, तो उस दौरान सर काफ़ी प्रेशर आ गया था UFM जब ये हो रहा था। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी यही कोशिश की जब CHSL वालों का UFM हटा कि चलो कम से कम CGL 2018 में ऐसा कुछ ना हो। तो ये मतलब SSC में लगातार रहता है कि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको एक डर बना रहता है कि मैं किन्हीं कारणवश बाहर ना हो जाऊं। अभी भी मैं एक बच्चे से मिलने वाला हूं, उसके 630 मार्क्स हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो टॉप उन्होंने 40 स्टूडेंट्स कुछ दिए हैं जिनको अलग रखा है रिजल्ट से, उनमें वो है, तो ये एक डर हमेशा बना रहता है। अच्छा, आपने 2019 भी CGL दिया फिर उसके बाद? नहीं सर। अच्छा, आपने नहीं दिया 19 CGL, मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि आपको 2018 में क्लियर लग गया था कि होगा तो ठीक है, वरना अब और आगे बार बार एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है। और ये हम बाकी लोगों से भी ये कहते हैं कि अगर आपको एक नौकरी मिल जाती है तो आप फिर और ज्यादा हाथ पर मत मारिए कि नहीं मैं दूसरी जॉब ले लूंगा, ये कोई ट्रायल नहीं चल रहा। आप भी जानते हैं SSC में वेटिंग लिस्ट नहीं है, हम ही ये गलती कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये गलती ना करें। अगर आपने कोई पोस्ट भरी है और वो आपको मिल जाती है, तो फिर आपको दोबारा पेपर नहीं देना चाहिए, ये एक
आपकी ड्यूटी भी है कर्तव्य भी है। तो अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको यूपी में जॉब मिल जाएगी, मतलब दो तीन चीजें जो मेन में हम अगर कंक्लूड करें तो जो मुझे दो तीन दिक्कतें थी जो मैंने इनसे पूछी, अभी मैंने यही कहा कि एक तो भाई जब आप तैयारी के लिए आए तब अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ठीक जगह तैयारी कर रहा हूँ, और आपने मन लगा के तैयारी भी की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने मन लगा के तैयारी नहीं की। उसके बाद जैसे प्री हो गया, प्री से मेंस तक के एग्जाम में, तो क्या आप सीधे एक टारगेट लगा लेते थे कि यार मुझे जॉब चाहिए? आपने भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाए कि भाई मुझे पहले प्री में अच्छा स्कोर करना है, फिर प्री में स्कोर हो गया उससे जो कॉन्फिडेंस मिला उसमें मेंस में स्कोर करना है, तो किस तरीके से वो प्लानिंग आप करते थे? सर, मैं बहुत दूर की नहीं सोचता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, सामने की चीज को नहीं सोचता हूँ, तो जो चीज सामने रहती है सर पहले मैं उसी को टारगेट करता हूँ कि ये रास्ता पार हो जाए फिर आगे देखा जाएगा। सर सीएचएसएल 17 की बात होता है, मेरे जीएस उस समय सबसे खराब मार्क्स मेरे जीएस में आए थे सर, मुझे ये दिखाई पड़ा कि मेरी ये चीज़ें कमजोर है और मैथ्स भी मेरी बहुत खराब थी उस समय। सर काम करना शुरू किया, फिर जब 18 में मई आया था तो मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि मैं लेट आया हूँ दिल्ली, और आपकी क्लासेस चालू हुई थी भाई, तो ये लग रहा था कि सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन SSC खुद ही लेट हो गई और जून 2019 में पेपर हुआ, और तब तक मेरा सिलेबस आपकी क्लास में पूरी तरह खत्म हो चुका था, और ये कॉन्फिडेंस इस बात का आ चुका था कि सर मैथ्स तो अच्छा होगा, तो सर मॉक्स वगैरह दे रहे थे, मॉक्स में नंबर आ रहे थे। सर पेपर दे के आया, पेपर थोड़ा सा अलग आया था, लोग कह रहे थे कैलकुलेट हुआ था क्या, लेकिन सर पेपर सही था, पेपर दे के आया तो लगा कि हाँ हो जाएगा। फिर जब मेंस की कोचिंग चालू हुई उस दौरान भी मैंने तैयारी की, और इस बात का मतलब जो पढ़ाया जा रहा था उस बात में विश्वास था, चूँकि मॉक्स देते थे, मॉक्स में नंबर आते थे, और खुद भी लगता था कि हाँ तैयारी मेरी सही रास्ते पर और चल रही है सर, तो इसलिए डर नहीं लगता था, इस बात का डर कभी नहीं लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा या ये हो जाएगा, मैं मार्क्स अच्छे थे तो ये था। मेरे साथ सर मेरे पार्टनर सर जानते होंगे रवि रहते थे, एडवांस मेरी कमजोर थी एक्चुअल में, तो सर उन्होंने भी मदद मेरी काफ़ी की थी। अच्छा अच्छा। और उसी के बाद सर मेंस देने के बाद आंसर किया तो सर मैंने आपको बताया था कि गलती की मेंस में, सर नंबर्स थोड़े कम रह गए लेकिन सही था सर। आपने प्री में अच्छा स्कोर किया। अच्छा एक और चीज़, जैसे फाइनेंशियली बाउंडेशन या फाइनेंशियल बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं जब आप गांव से निकल के आते हैं, पैसे की दिक्कतें, और आप दिल्ली आके रहे, तो उन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? ये वाली बात तो शायद मैं आज ही आपसे पूछने का मौका और इंटरव्यू में ही मिल रहा है कि किस तरीके से आपने यहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा, कोचिंग की फीस वगैरह को किस तरीके से आपने मैनेज की? सर मुझे पढ़ाया है मेरे बड़े भाई ने। अच्छा, बड़े भाई ने। वो जो भी सैलरी बातें हैं उसमें से मुझे जो भी मांगना रहता है मैं उनसे मांगता हूँ, वो मुझे देते हैं, और 5 साल से वही हो रहा है और आगे भी यही होता रहेगा। अच्छा। वो सैलरी सर अलाहाबाद रहता था तो 4,000 रुपये मिलते थे। अच्छा। यहाँ सर आया था तो 10,000, 12,000, 11,000 जो भी जरूरत रहती थी वो देते थे सर, और किसी महीने लेट होता था 10 दिन 15 दिन नहीं आती थी सैलरी या नहीं, लेकिन सर आ जाता था पैसा। फैमिली की तरफ से पूरी तरह सपोर्ट में थे, मतलब फैमिली मेरी पूरी तरह मेरे साथ में थी, क्योंकि सिस्टर मेरी वही मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वही है घर में। अच्छा। मैरिड है तो सब वो हमेशा मम्मी को या भैया को कहती रहती थी कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिया जी भी सपोर्ट में थे तो सर इसलिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल यार, घर वालों का सपोर्ट हम हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। नहीं, हमारी तरफ से भी आपने पता नहीं शायद कभी सपोर्ट मांगा नहीं होगा, बट या मांगा होगा तो कोचिंग से जरूर मिला होगा। आप मेरे से कम ही मुलाकात हो पाती थी, मुझे भी याद है आप 6वीं 7वीं रो में बैठते थे कोने में ही हमेशा। तो चलिए ये वाली बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि जैसे अब सिलेक्शन हो गया है, अब आगे के गोल्स क्या हैं, अब आप आगे को लेकर के क्या सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार जो एक गोल हमने जीवन में देखा था वो अचीव हो गया, अब मैं इसके थ्रू जो भी बेहतर कर सकता हूँ परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, तो अब आप इस चीज़ को किस तरीके से सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर सही है, सिलेक्शन हो गया मतलब सिक्योरिटी एक आ गई है अंदर, घर से भी अब मतलब घर वाले भी खुश रहने लगे हैं कि सिलेक्शन हुआ। माता जी मेरी रोने लगी थी इस बात को लेकर कि मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे नौकरी पा गए। अच्छा। एक छोटा ही पाया, एक बड़ा पाया, लेकिन दोनों पा गए। और गांव में भी बड़ी बधाइयां सदाइयां से आ रही होंगी, रिश्तेदार भी कॉल करके पूछ रहे होंगे कुछ ऐसे लोग। अच्छा बताइए, जैसे जो नौकरी ना मिलने से पहले बड़े अजीब तरीके से बात करते थे, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उन लोगों की भी बधाइयां आई होंगी, तो वो किस तरीके से अब आपको परसीव कर रहे थे? मैं ये बता रहा हूँ इसलिए बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि डरना नहीं है, लोग परेशान करेंगे वो राह आएगी, बट जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग। सर वही पहले पूछने का तरीका कुछ और था, अब बात करने का तरीका कुछ और हो गया है सर। तो एक्चुअली वही लोग पहले उंगली उठाते थे और आज जब शायद पता चला होगा तो फिर वही लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, और बात करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। हाँ वो बिल्कुल रहता है। नहीं नहीं, आप मतलब आप भी बहुत खुश हैं ये जॉब आपको मिली। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यार आज, तो मैंने इसलिए भी आपके साथ इंटरव्यू किया क्योंकि मैं
आज भी वो टाइम याद करता हूँ जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा था, आपसे लगातार बात होना, क्लास में भी बच्चों को ये बताना कि देखो इस बच्चे से सीखो, इसने प्री में 203 स्कोर किया है और फिर अब तो आपको नौकरी मिल गई। मतलब हम उस टाइम भी क्लास में भी अप्रिशिएट करते थे ताकि और बच्चे भी इस चीज़ से एक इंस्पिरेशन लें और वो भी आगे बढ़ने की सोचें। और अभी भी मैं जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनको यही बताना चाहता हूँ, जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैं बहुत ज़्यादा दूर की नहीं सोचता था, यही मैं भी बच्चों को कहता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर की सोचोगे तो स्ट्रेस होना लाजमी है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरा कब सिलेक्शन होगा। जैसे आपने भी मेंस कब दिया था, कब हुआ था मेंस? मुझे लगता है 12 सितंबर 2019 को मेंस हुआ था, यानी कि अभी लगभग 2 साल हो जाएंगे सितंबर में, 1.5 साल अभी हुई है, तो 1.5 साल तक वेट कर पाना। तो वो बच्चे अगर इस चीज़ को सोचने लगेंगे तो शायद अपने गोल को नहीं पा पाएंगे। उनको पहले यही सोचना है कि भाई आप पहले प्री पे ध्यान दो, जो कमियां आप मॉक टेस्ट में कर रहे हो वो आपके प्री में नहीं होनी चाहिए, और जब आपके प्री में अच्छा स्कोर आ जाए फिर आप मेंस पे ध्यान दो, और इस तरीके से वो सिक्वेंस चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कहना चाहोगे और बच्चों के लिए जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो गांव से ही बच्चे आते हैं और डरते हैं बड़ा कि भाई दिल्ली आके तैयारी करें नहीं करें, अब तो ऑनलाइन का खैर इतना ज़माना आ गया, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कुछ? सर दो चीज़ें मैंने अपनी तैयारी के दौरान सीखी है। सर पहली बात, रास्ता सही होना चाहिए। अगर रास्ता सर गलत रहता है तो आपकी मेहनत कितनी भी हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता नहीं है सर। और दूसरी बात सर, खुद पे विश्वास रखते हैं। और ये जो मैंने बोली छोटी गोल की बात, सर ये मेरे एक दोस्त है, मैं उसके बारे में बता दूँ। सर वो सोचता है 100 मॉक देने हैं और सर एक्चुअल में हो नहीं पाता है वो। 10-10, 20-20 मॉक का टारगेट किया जाए, या सर ये सोच लिया जाए कि मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है, अगली बार फिर उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, सर वो सही रहता है। लेकिन अगर बड़े टारगेट्स रखे जाते हैं तो एक्चुअल में वो कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, और प्रेशर बिल्डअप होता है। सर अलग बिल्डअप होता है कि मैं कर नहीं पाया, एक निगेटिव थिंकिंग मन में आती है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तो सर वही है, बाकी ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आज कितना पढ़ना है। सर जो पढ़ना है, जो पढ़ाई हुई वो अच्छी हुई तो ठीक है सर, उससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस बना रहता है। ज़्यादा बोझ लेने से सर वो पूरा नहीं हो पाता। नहीं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं, सर मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, पापा मम्मी पढ़े हुए नहीं है, पापा किसान हैं, घर में कोई साधन इनकम का नहीं है, या बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं गाँव से हूँ, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो उनके लिए आप एक एग्जाम्पल हो कि भाई आपने भी गाँव से निकल के यहाँ तक का सफर तय किया है, खुद अपने दम पे दिल्ली आना। कौन आपको दिल्ली छोड़ने आया था? खुद से आए थे, पिताजी आए थे? सर खुद ही आया था। खुद ही आए थे आप भी, बताओ दिल्ली। तो मतलब वही है कि आपको हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ेगी, रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा, उसके बाद तो आप सफल होंगे, लोग आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बट वो जो मुश्किल रास्ता है, जो स्ट्रगल या संघर्ष का रास्ता है, वो आपको अकेले ही तय करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि उस संघर्ष के रास्ते में लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे, लोग मुझे इतना अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उस रास्ते में आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, ये चीज़ है। तो चलो बहुत अच्छा लगा आज तो उससे मिलके, और मेरा मन था कि भाई मैं मिलूं, क्योंकि तैयारी के दौरान भी ये बहुत फ़ोन करके जब भी परेशान होते थे तो मैंने हमेशा ध्यान रखा है, हमेशा इनके मैसेजेस को पढ़ के रिप्लाई किया है। जब भी इनको लगा, जैसे अभी आपको बीच में लगने भी लगा था ना कि सर अभी पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या ही आगे होगा, जब आपने एक बार बात की थी मुझसे, तो जब आप तैयारी करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो और लगातार रिजल्ट नहीं आता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको उस सरकारी तंत्र में दिखने लगती हैं, तो इस तरीके के ख्याल आ जाते हैं, मतलब कि नॉर्मल है, इससे बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चले बहुत अच्छा लगा आज तो उससे मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ, हाँ एक बात और सर, ऑफलाइन क्लास की आपकी सर बात तो मुझे याद आती है। सर मैं 18 महीने 16 महीने पढ़ाऊँ आपकी क्लास में, सर पढ़ाई क्या होती है सर? वो 16 महीने मुझे पता नहीं चली, क्योंकि एक लगता था मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ सर, वो अपना दिमाग फ्रेश करने जा रहा हूँ, और उस दौरान जो 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी पढ़ाए जाते थे सर, वो एक्चुअल में सर वहाँ तो तैयार हो जाते थे, और घर पे भी आके सर और मज़ा आता था उस टाइप, मतलब करने में मज़ा आता था सर। वो जिस दिन नहीं जाते थे उस दिन ये लगता था कि यार आज ये काम नहीं किया है, क्योंकि सर वो जो मेंटल जो रिलीफ वहाँ मिलता था सर, वो बहुत सहायता किया मेरी तैयारी में। और सर 18 महीने एक्चुअल में आप ही की क्लास में इसीलिए गुजारे हैं, क्योंकि सर वहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मुझे करना है, और सर हुआ भी वो। यार मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब भी ऑफलाइन क्लासेस की बात आती है, क्योंकि हर एक बच्चा, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो ये कह दे कि उसने जीवन में कुछ सीखा नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों को पढ़ाया नहीं, मैंने जीवन जीना सिखाया कि किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहना है। मैं खुद भी उस वक्त अपनी हेल्थ से भी सफ़र कर रहा था, उसके बावजूद भी लगातार क्लास में आके खड़े रहना, मुस्कुरा के हर बच्चे को जवाब देना, क्योंकि मैं ये मानता था कि ये बच्चा घर से आया है अकेला, इसका कोई सहारा नहीं है, अगर मैं एक बार इसके कंधे पे हाथ रख दूंगा, इसको
सपोर्ट कर दूंगा, तो इसको लगेगा कि कोई इसके साथ है। कितने बच्चे आपके सामने भी ऐसे होंगे जो आके ये कहते थे कि सर मैं बहुत टेंशन में था बट अभी क्लास आ गया तो पता नहीं चलता था वक्त का। तो वो मैंने भी, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने ही, सिर्फ मैंने भी आप लोगों के साथ वो वक्त गुजारा है जहाँ मुझे वक्त का पता नहीं चला। वो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में था और आप सब थे। और शायद इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन का मैक्सिमम रिजल्ट है हमारा, मतलब इतना ऑनलाइन का नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में एक तो कई सारी दिक्कतें हैं कि बच्चा के बारे में हमें उतना पता नहीं चल पाता है। वहाँ तो हम सीधे 2 मिनट में कॉपी उठा लेते थे, मतलब बेइज्जती भी किसी बच्चे की करनी है तो बड़ा आसान रहता था और कोई बोलता नहीं था। इतना डर रहता था कि सर किससे सवाल पूछ लेंगे। तो वो एक चीज़ थी जो बच्चों को पढ़ने पे भी मजबूर करती थी और हंसी मजाक भी रहती थी। तो बहुत सारे अभी आगे आने वाले टाइम में हम इंटरव्यू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, रैंक 19 एक बच्चा है राजन कुमार, जिसकी रैंक 1 अपनी कैटेगरी में है और ओवरऑल शायद पता नहीं कितनी रैंक है, डबल AO की पोस्ट मिली है। रैंक 80 मोहित का हम इंटरव्यू करने वाले हैं। चीकू जी, जिनकी बात हो रही थी फ्रूट ऑफ द ईयर, जो आपने 88 डेज वीडियोज में बहुत कुछ बार सुना होगा, उनका भी इंटरव्यू हम करने वाले हैं। मतलब मैक्सिमम टॉप 100 के अंदर जो भी 4-5 रैंक हैं उनका इंटरव्यू करेंगे, जो बच्चे मेरे सामने रह के पढ़े, जिनको मैं करीब से जानता हूँ, जिनसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ। वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी हो सकती है क्योंकि मैंने देखा है। वो एक बार भी मेरे सामने फालतू में नहीं बोलेंगे ऐसे, सर मैं 18 घंटे पढ़ता था। मुझे पता है तू कितना 18 घंटे पढ़ता था। तो मैं ऐसे ही बच्चों का इंटरव्यू करना चाहता हूँ और बाकी और भी लोगों का इंटरव्यू जो टॉप 1000 पोस्ट के अंदर भी हैं उनका भी हम करेंगे। और एक और मेन चीज़, आपने एक हम उम्र का नाम सुना होगा जब आपने 88 डेज, उनका भी सिलेक्शन हो गया, आपके बगल में बैठते थे। मुझे उनके लिए बड़ी अंदर से खुशी है यार कि मतलब हम उम्र साहब का इंटर सिलेक्शन हो गया। क्योंकि यार हम उम्र उनका नाम ही इसलिए पड़ा था कि वो मेरी उम्र के थे और लगातार वो मतलब संघर्ष भी कर रहे थे सिलेक्शन के लिए। तो मुझे ये चीज़ उनकी मतलब बहुत बहुत इमोशनल कर देती है कि उनका सिलेक्शन होना मेरे लिए। और मैंने उनको कहा था, आप ये, आपको भी मैंने कही होगी ये बात कि आपका सिलेक्शन होगा। मैंने जितने बच्चों को भी ये बात कही कि आपका सिलेक्शन होगा तो वो हुआ। वो चीज़ भी मुझे बहुत सोचने पर विवश कर देती है कि ऐसा कैसे होता है। जैसे चीकू जी को मैंने फर्स्ट डे ही कह दिया, वो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे जब हमारे पास आए। मैंने कहा आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। हम उम्र तो आप लगा ही लो बूढ़े हो गए हो। तो मैंने उनको कहा जब हमारे पास आए कि यार आपका सिलेक्शन होगा। और जबकि वो हमारे पास सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको बहुत मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, मेंटल सपोर्ट की, वो सब हमने उनको दिया और आज उनका सिलेक्शन हो गया। एक निशा दीदी का नाम आपने सुना होगा, उसमें जो आती थी सामने, उनको कितना स्ट्रेस रहता था। मैं उनको कहता भी था कि आपकी शादी हो गई, सास का अलग प्रेशर रहता होगा, आप किस तरीके से तैयारी करती है। उनकी भी बहुत अच्छी पोस्ट आई, सिलेक्शन हुआ है उनका। ASS उनको मिली है CSO, मतलब CSS डिपार्टमेंट में। और एक बच्चा जिसने हमारे बर्थडे पे डांस किया था क्या बात है गाने पे, आलोक को जानते हैं, उसको भी शायद या तो एक्साइज इंस्पेक्टर मिला। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी तो मैंने कल 50-1 की लिस्ट बनाई है जिनके मेन मेन हम कुछ के इंटरव्यू करेंगे, कुछ के मिक्स इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले आपका इंटरव्यू करने की वजह यही थी क्योंकि मैं आपके ज़्यादा करीब रहा हूं और मैंने बहुत बार आपको संभाला है और बहुत बार आपसे बात हुई है। तो वो चीज़ मैं जानना चाहता था कि आपके मन में क्या क्या बातें आती थी तैयारी के दौरान, कैसे आपने वो गांव से दिल्ली तक का सफ़र तय किया। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। हमें बहुत अच्छा लगता है जब मैंने आपको रिजल्ट के टाइम पर आपकी कॉल आई और आपने बताया सर सिलेक्शन हो गया, जो वो एक खुशी थी, आपसे ज़्यादा हमें उस चीज़ की खुशी होती है और अच्छा लगता है। तो धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आशुतोष। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू देख के आपको? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं हमारे सामने रह के, जैसे आप देखते हैं कि काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं, कोई भी किसी भी टॉपर का इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो देगा, तो वहाँ पे ये नहीं पता लग पाता है कि वास्तव में उसने किस तरीके से तैयारी की। आजकल कोई भी कुछ भी बता देता है। तो मेरा पर्पज वही है कि जो लोग वास्तव में मेरे सामने बैठ के पढ़े हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, अपने बैचेज में पढ़ाया है, हम उन्हीं बच्चों के इंटरव्यू लें और जानें और वो वही वही बात बताएं जो वाकई में उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई की, किस तरीके से उन्होंने खुद को संभाला, हमारा उसमें क्या सपोर्ट रहा। तो उन्हीं उन्हीं लोगों का इंटरव्यू हम कर रहे हैं। अभी आगे भी और अच्छी रैंक्स, जैसे रैंक 19 और रैंक 39, रैंक 80, मतलब टॉप 100 रैंक, टॉप 500 रैंक, इनके इंटरव्यू हम आगे आपको दिखाने वाले हैं और बहुत छोटे छोटे ही रखेंगे, जिससे आप काम काम की बातें ही सीखें, बहुत लंबा ना हो कि आपका समय भी कम खराब हो। जैसे कि आज बच्चों को दिक्कत ये आती है कि यार मैं अपने आप को तैयारी में बना के नहीं रख पाता, बार बार मन उचटने लगता है। तो वही बातें मैं इन सब टॉपर से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को इतनी समस्याओं के बीच में कैसे अपनी तैयारी को जिंदा रखा और फिर आप सफल हुए। तो आगे भी आपको ऐसे बहुत इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। और एक कोशिश ये भी है कि जैसे यहाँ पे मैं छोटे इंटरव्यू कर रहा हूँ,
कुछ जो टॉपर हैं जिन्होंने अच्छी रैंक्स लेके आए हैं, टॉप 100 के अंदर हैं, उनके इंटरव्यू के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी 1-1.5 घंटे की स्पेशल क्लास भी रखूँ, जैसे मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पे, जिससे कि आप भी उनसे अपने सवाल पूछ पाएँ। मतलब इनका एक लाइव सेशन भी हो मेरे साथ, जहाँ पे आप इनसे सवाल पूछ पाएँ या कुछ बातें जो बीच में मैं बता पाऊँ, उस तरीके से भी हम रखेंगे। और अभी 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, खांसी जुकाम बुखार, कोविड कराया वो भी नेगेटिव आया, तो ये सब चल रहा था। थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ, उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी A to Z क्वांट बैच अपने पेस पे चलता रहेगा, इंटरव्यूज भी आते रहेंगे, और क्या होगा, हम क्लासेस भी लगाते रहेंगे, स्पेशल क्लास भी रिज्यूम कर लेंगे और A to Z क्वांट बैच को जल्दी से फिनिश करेंगे। तो चलिए इंजॉय करते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।